सिंपल कोलमनर एपिथीलियम के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम डार्क से कलर की, और साथ में हम कॉलम्स बनाना स्टार्ट कर देंगे इस तरह। ये हमारे कॉलम्स बन गए, ठीक है। अब इन कॉलम्स के अंदर हमने क्या करना है, इनके अंदर हमने न्यूक्लियस बनाना है। कॉलमनर एपिथीलियम का न्यूक्लियस होता है ओवल, ये हमारा ओवल न्यूक्लियस बन गया। और ये हमारी डार्क वाली बेसल मेम्ब्रेन थी, इसके साथ हम हल्का सा पिंक कलर का एक डब्बा सा बनाएंगे, उसको कलर कर लेंगे एज यूजुअल। बाकी सारी सिंपल एपिथीलियम में भी ये डब्बा था। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि कुछ डार्क कलर की लाइंस होती हैं और कुछ सर्कल्स होते हैं, और सर्कल्स के अंदर पर्पल डॉट्स होते हैं। दैट्स इट, लेबलिंग पे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस होता है, ये डार्क कलर की हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये जो लाइंस थी हमारे पास ये हमारे पास आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, और ये जो सर्कल्स है जिसमें पर्पल डॉट भी बनाया था ये हमारे पास आ जाते हैं ब्लड कैपिलरीज। अब सिंपल कोलमनर एपिथीलियम दो तरह की होती है, सीलिएटेड भी और नॉन सीलिएटेड भी। अगर सीलिया बनाना चाहें तो हम यहाँ पर यूं सीलिया बना सकते हैं, आप दो डायग्राम्स भी बना सकते हैं, एक सीलिएटेड की और एक नॉन सीलिएटेड की। एंड दैट्स द डायग्राम ऑफ सिंपल कोलमनर एपिथीलियम।